हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड अपने जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर कौन सा पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये अपन बात कर रहे थे इस बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अपन पढ़ रहे थे, और इसके अंदर भी अपने दो इवेंट्स पढ़े थे, दो इवेंट्स देखे थे जिन्हें अपन आज बात करेंगे उन बारे में। एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट जो इवेंट होता है, एंड जो सेकंड जो इवेंट था वो क्या था, गैमेट ट्रांसफर। तो आज का जो ये वीडियो अपना होने वाला है इसी बारे में है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि जो फर्स्ट इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो भी फर्स्ट इवेंट है, ठीक है, उस बारे में ही होने वाला है। तो आज बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि जिसे कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपन और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स द क्रिएशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। द क्रिएशन ऑफ गैमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई देखो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जो जनन होता है, इसका मतलब ही क्या होता है कि दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण, दो भिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण या गैमेट्स का निर्माण, यही क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, चलो ठीक है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट बन रहे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या क्रिएशन ऑफ गैमेट की प्रोसेस हो रही है। बट गैमेट क्या होता है, भाई गैमेट क्या होता है कि वह सेल होती है जो किसमें भाग लेती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, और उसके द्वारा फिर क्या होता है, संतति का निर्माण होता है। तो वह जो सेल होती है, ठीक है, वो सेल क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, सॉरी, वो क्या कहलाती है, गैमेट्स कहलाती है। ठीक है, और गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि द क्रिएशन ऑफ गैमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या बात करें द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई क्या है कि जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, गैमेट्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। भाई क्या होगा, अगर देखो गैमेट्स ही नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यानी देखो अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, भाई संतति बने। ठीक है, दो भाग लें, मतलब कि एक तो मेल भाग ले, एक फीमेल भाग ले। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बाहर एक्सटर्नल रूप है, भैया एक मेल था एक फीमेल था, संतति भाग ले रही। बट अगर डीपली जाए तो मेल के अंदर भी क्या हो रहा था कि मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर भी क्या हो रहा था, फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो रहा था। ठीक है, हो रहा था, और इस प्रकार से ये दोनों मिलने पर क्या हो रहा था, एक संतति बन रही थी, एक ऑफस्प्रिंग बन रही थी। ठीक है, इस प्रकार से एक डॉटर सेल का निर्माण होता है, डॉटर या बात करें अपन संतति का निर्माण होता है। ठीक है, इस तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो द क्रिएशन ऑफ गैमेट्स होता है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो समझ में आई बात ये कि युग्मक जनन का मतलब क्या होगा, युग्मक जनन का मतलब है कि दो भिन्न प्रकार के किसका निर्माण हो, गैमेट्स का निर्माण हो। और दो भिन्न प्रकार का मतलब, दो भिन्न प्रकार का मतलब ये कि एक तो मेल होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट्स होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्योंकि अगर युग्मक ही नहीं होंगे तो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दो जन भाग लेके क्या नहीं कर सकते हैं, दो जन ये दो जो ऑर्गेनिज्म है पार्टिसिपेट करके एक नई संतति को नहीं बना सकते, एक नई ऑफस्प्रिंग का क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेशन नहीं कर सकते। डन, अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन। देर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, फीमेल गैमेट्स आर हैप्लोइड। Therefore, it can be said that two different types of gamete or haploid cells that formed at the time of sexual reproduction and manufacture of zygote. भाई क्या होता है, देखिए इसे हटा देते पहले, कि क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर दो भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, दो भिन्न प्रकार के क्या गैमेट्स बनते हैं, किसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर, और दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। भाई जैसे की बात करो, आपने हिंदी मूवीज देखी होगी, डीडीएलजे सबने देखी होगी आई थिंक। तो डीडीएलजे में होता है ना अपना राज होता है, तो राज क्या है अपना, ये मेल गैमेट्स। ठीक है, एंड अपनी सिमरन कौन है, अपनी सिमरन होगी फीमेल गैमेट्स। क्या होगी, ये होगी फीमेल गैमेट।
तो ये क्या होते हैं, आपने देखा पूरी मूवी के अंदर क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं ना, डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो गैमेट्स होता है, क्या होते हैं जो गैमेट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं, विभेदित रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं और विभेदित रहते हैं। और कब मिलेंगे, जब मिलेंगे मूवी के लास्ट में, ठीक है। कब मिलते हैं, मूवी के लास्ट में। इसी प्रकार से क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कहां मिलते हैं, लास्ट में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन वाली जो फीड होती है वहां पर मिलते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल क्या मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन वाली जो इवेंट होता है वहां पर जाकर ये मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। ये सभी क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। भाई देखो पूरी मूवी में क्या था, अपना राज हैप्लोइड तो था, अकेला था बेचारा, ठीक है। इस प्रकार ये क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। उधर सिमरन भी बेचारी कहती हैप्लोइड थी, मतलब की कहती अकेली थी एक तरीके से बात करें तो। इस प्रकार से क्या हो गया कि गैमेट्स जो होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो देयर फॉर इट कैन बी सेड दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स और हैप्लोइड सेल्स दैट फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर जायगोट। तो भाई क्या होता है, अपन क्या कह सकते हैं इस बिना पे, इस आधार पर, ऑन द बेसिस दिस थिंग्स, अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि भैया मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, यानी कि भाई वैज्ञानिकों ने क्या सोचा होगा, क्या संतति बन कैसे रही है, ठीक है। वैज्ञानिकों थोड़ी कहती संतति बन कैसे रही है, ये जायगोट बना कैसा है, तो उनके पीछे रीजन क्या था, उनके पीछे रीजन ये था कि इट कैन बी सेड दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसमें तो दो भिन्न प्रकार के क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, और जो कि क्या है, हैप्लोइड है। हैप्लोइड का मतलब क्या है, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो क्या है, एक सेट होता है। एक सेट का मतलब, अब ये जो सेट है 20 प्लस ये एक्स भी हो सकता है एंड 20 प्लस ये वाई भी हो सकता है, सॉरी 22 प्लस ये वाई भी हो सकता है एंड 22 प्लस ये एक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये दो सेट होते हैं, तो इनमें से कोई एक सेट होगा, ठीक है। एंड बात करें फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल अपनी सिमरन के अंदर 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये दो सेट होते हैं। तो हैप्लोइड कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ एक सेट होगा, यानी कि या तो ये हो सकता है, यानी कि 22 प्लस एक्स का हो सकता है या 22 प्लस वाई का हो सकता है। और बात करें तो सिमरन की बात करें, यानी फीमेल गैमेट्स की बात करें, तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स दोनों में से वैसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो दो भिन्न प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहां होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है। कहां पर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होता है। आगे बात करते हैं अपन, गैमेटोजेनेसिस इज ए बायोलॉजिकल, और फिर क्या होता है, एक सेकंड ये चीज तो रहेगी अपनी, कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम इनका हो गया मैन्युफैक्चर हो गया, अब बाद में क्या होगा, ये क्या मिलकर बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से फिर क्या होता है, नई संतति का निर्माण होता है, ठीक है। किसका, नई संतति में, यानी कि जायगोट जो ये आगे चलकर किसका बनाएगा, संतति बनाएगा, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है, ठीक है। किसका, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा, संतति बनाएगा। आगे चलो, आगे बात करेंगे अपन, ठीक है, चले आगे, आगे चलो। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच डिप्लोइड और हैप्लोइड प्रीकर्सर सेल्स अंडरगो सेल्स डिविजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर्म मैच्योर हैप्लोइड या गैमेट्स। यानी कि क्या हो गया कि युग्मक जनन क्या होता है, एक जैविक क्रिया है जो पादप में भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है, बट दोनों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट कैसे होती है कि आपके जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा का पूरा किसके बारे में, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसमें अपन को ये जो गैमेटोजेनेसिस है उसको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है, गैमेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है, कितना डिवीजन होता है, वो सारी चीजें आपको किसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, आपके सेकंड चैप्टर के अंदर। एंड बात करें एनिमल्स के अंदर, तो आपका तीसरा जो थर्ड जो चैप्टर है वह क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुमेन, यानी कि किनमें, मनुष्यों के अंदर जनन, यानी एनिमल्स के अंदर अपन को क्या पढ़ने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ने को मिलेगा। और वहां पर क्या, यही पूरा डिटेल से है कि कौन से टाइम पे कौन से प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो प्लांट्स के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है, बट डिपेंड कर दोनों के अंदर करता है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम चीज नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर की जो प्रोसेस होगी वो अलग अलग होगी, ओके। तो बात कर रहे थे अपन, इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एंड इसमें क्या होता है, डिप्लोइड और हैप्लोइड जो होता है प्रीकर्सर, यानी कि जो अग्रदूत जो सेल है, यानी प्रीकर्सर जो सेल्स होती हैं
उन सेल्स, वो सेल्स क्या होती हैं, या तो डिप्लोइड होंगी या हैप्लोइड होती है, ठीक है। यानी उनके अंदर या तो क्रोमोसोम्स के दो सेट होंगे या बात करें तो क्रोमोसोम्स का एक सेट होगा, ठीक है। ये सेल्स किससे गुजरते हैं, डिविजन से, विभाजन से एंड डिफरेंशिएशन से। अब क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर सेल डिविजन, अगर आप पढ़ के आए हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो किस युग्मक जो गैमेट्स बनते थे वो सेल डिविजन से बनते थे, मतलब कि कोशिका विभेदन। आपको इसके अंदर भी पढ़ने को मिलेगा, अपना जो आगे वाला टॉपिक है वो सेल डिविजन के बारे में ही होगा, जो आगे वाली क्लासेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लोइड भी हो सकती हैं, जो कि हैप्लोइड भी हो सकती है, यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के टू सेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एक सेट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन्हें गुजरना पड़ता है कोशिका विभाजन से एंड कोशिका विभेदन से, और फिर वह क्या करती है, वह परिपक्व होती है। वो सेल्स कौन सी सेल्स की बात करें, ये बात हो रही है प्रीकर्सर सेल्स की या अग्रदूत जो कोशिकाएं होती है, तो ये मैच्योर होती है और किसका निर्माण करती है, बाद में गैमेट्स का निर्माण करती है, ठीक है। और क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस ऑक्योर बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बाय ऑक्योर बाय मियोटिक डिवीजन, यानी कि क्या होता है, जो युग्मक जो जनन होता है ये किसका परिणाम होता है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। अर्धसूत्री इसमें तो होता है कि जो डॉपलेट जो सेल होती है, यानी कि जो डिप्लोइड सेल है, उसमें क्या हो जाता है, वो हैप्लोइड में चेंज हो जाती है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो टू सेट होते हैं, ठीक है, कितने सेट होते हैं, टू सेट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के, ये सेट किसमें हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे वन सेट के अंदर। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो डिवीजन होता है ये कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये था अपना गैमेटोजेनेसिस। इसके बारे में आपको और जो अच्छा समझ में आएगा और जो अच्छा क्लेरिफाई हो जाएगा, ये तो कहता बेसिक था भाई क्या होता है, अच्छा मेल भी होता है फीमेल भी होता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होगा एंड एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से होगा, तो सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का बड़े वेट कीजिएगा, उसके अंदर आपको और अच्छे से और स्पेसिफिक तौर पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि गैमेट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में अपन बात करेंगे अब, ठीक है। तो किस बारे में, बिल्कुल सही आपने सही कहा, टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स की, यानी कि गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मेजरली अपने देखे थे कि दो टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के, एक होता है मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो अब बात करें, द फ्यूज्ड गैमेट्स कैन बी सिमिलर एंड डिसिमिलर इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑन द बेसिस दे आर डिवाइड इन टू टाइप्स, यानी कि बात करें तो अपन जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि समान समान जो गैमेट्स है, यानी कि सिमिलर सिमिलर जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, किस आधार पर हो सकते हैं ये, मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार के रूप से, यानी कि सिर्फ बाहर से देखने पर क्या हो सकते हैं, ये समान भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर इन्हें किस भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया, यानी डिवाइड इन टू टाइप्स, डिवाइड इन टू टाइप्स। ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं अपन, ये बेसिस है अपना, किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं अपन, ये बेसिस है अपना, किस बेसिस पर है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, यानी कि आकार के रूप से, यानी कि दोनों जो गैमेट्स हैं उन्हें देखने पर किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है, उस प्रकार के बेस पर क्या है ये टाइप्स ऑफ गैमेट्स अपन पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार के गैमेट्स है, ठीक है। तो दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आइसोगैमेट्स, एक होता है हेटेरोगैमेट्स। क्या होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, गैमेट्स यानी कि समयुग्मकी गैमेट्स एंड विषमयुग्मकी गैमेट्स, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, तो पहला पढ़ेंगे अपन आइसोगैमेट्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोगैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके डन। तो चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आइसो जो गैमेट्स होते हैं उन्हें होमोगैमेट्स भी कहा जाता है, होमो का मतलब होता है समान होता है, और इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दोनों गैमेट्स समान होते हैं उस प्रकार को कहते हैं होमोगैमी, ठीक है, क्या कहते हैं, होमोगैमी। अब बात करेंगे अपन आइसोगैमेट्स के डेफिनेशंस के बारे में, ठीक क्या है, द गैमेट्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर दोस कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स, यानी कि वह गैमेट्स, यानी कि वह गैमेट्स जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर में, दोस कैन बी नॉट डिफाइंड एज अ फीमेल एंड मेल गैमेट, यानी कि इन्हें आप क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, आप परिभाषित नहीं कर सकते किसके अंदर,
आइसोगेमेट्स के अंदर, किसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, आइसोगेमेट्स के अंदर, ठीक। यान तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मानो आपने देखा होगा सीता गीता किसने देखी, ठीक है, राम श्याम किसने देखा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहां तो सिर्फ के दोनों ऑर्गेनिज्म समान है, सीता भी फीमेल होती है और ये भी फीमेल, बट क्या इसकी जगह अपन क्या ले लेते हैं, जैसे कि अपन कर देते हैं इधर श्याम कर दे, तो ये क्या आप मतलब कि श्याम में और सीता में, श्याम और सीता में क्या डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि श्याम कौन सा है और सीता कौन सी, ठीक है, यानी क्या बता ही नहीं पाओगे कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। ये क्या क्यों होता है ये, क्योंकि आप उनके देखो बाहर से देखोगे तो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, कैसे श्याम के बाल भी उतने ही लंबे जितने कि किसके सीता के लंबे, ठीक है, उसकी हाइट भी उतनी लंबी, उसका बिल्कुल शेप वगैरह मसल्स वगैरह मतलब हूबहू बिल्कुल वैसा ही, श्याम की दाढ़ी आ रही तो सीता के भी क्या आ रही है, दाढ़ी आ रही है। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप देखकर नहीं बता सकते, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर आप ये नहीं बता सकते, ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। बट क्या होता है, इट इज ए फंक्शनली डिफरेंट, बट क्या होता है, दोनों के कार्य अलग अलग है। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर के आधार पर बात करोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं डिफाइन कर पाओगे उस चीज को। बट क्या है, आप बात करोगे फंक्शनल के आधार पर, आप देखो उनके कार्य अलग अलग होंगे, ठीक है, सीता का कार्य अलग होगा, फीमेल का कार्य अलग होगा, तो बेसिस ऑन द फंक्शन यू कैन डिफाइन एज ए मेल एंड एज ए फीमेल, ठीक है, तो आप किस आधार पर, फंक्शन के आधार पर बता सकते हो, ठीक है। बट क्या अपन बात कर रहे हैं बेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो आप मॉर्फोलॉजी देख के यानी कि उनका स्ट्रक्चर देख के ये नहीं बता सकते कि सीता कौन सी है और श्याम कौन सा, यानी कि मेल गैमेट्स कौन सा है एंड फीमेल गैमेट्स कौन सा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो, मोनोसिस्टस एंड सम एल्गी, मोनोसिस्टस एंड सम एल्गी आर प्रोड्यूस्ड दिस टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो मोनोसिस्टस है और कुछ प्रकार के शैवाल्स हैं यानी कि एल्गी है, उनके नाम भी बता देता हूं मैं आपको, क्लेडोफोरा होगी और फोर्मनीफोरा, क्या क्लेडोफोरा एंड फोर्मनीफोरा, ये एल्गीज होती है जिनके अंदर क्या होते हैं, आप देखोगे कि इनके मेल गैमेट्स और इनके फीमेल गैमेट्स, क्या इनके मेल गैमेट्स और इनके फीमेल गैमेट्स, ये दोनों क्या होते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है सेम होती है, ठीक है, यू कैन नॉट डिफाइंड एज ए मेल एंड ए फीमेल बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है आप बता नहीं सकते इन्हें देखकर, जैसे कि सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखिए आप बता सकते हैं कि इसमें मेल कौन सा है, इसमें फीमेल कौन सा है, इसमें फीमेल कौन सा है, इसमें मेल कौन सा है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर आप देख के बता पा रहे हैं क्या ये, कि ये मेल है या फीमेल है, ये मेल है या ये फीमेल है, कौन सा है आपको पता लग रहा है, नहीं। तो जो आइसोगेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं कि जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजी के आधार पर, देखकर आप नहीं बता सकते कि क्या है ये मेल है या ये फीमेल है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आइसोगेमेट्स होते हैं जिन्हें आप देखकर नहीं बता सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइसोगेमेट्स होते हैं, होमोगेमेट्स अपन पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि होमो क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं स्ट्रक्चरली समान होते हैं, होमो का मतलब भी कहता है सेम होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे होमोगेमेट्स भी कहते हैं। होमोगेमी क्यों कहते हैं, होमोगेमी कहने के पीछे रीजन है क्योंकि इसके अंदर जो दोनों गेमेट्स भाग लेते हैं वह दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, सेम एज ए मोर्फोलॉजी सेम होते हैं, वही नहीं होता कि दोनों मेल मेल होते हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे, हालांकि एक होगा मेल एक फीमेल, बट मेल एंड फीमेल क्या डिफरेंस, क्या सिमिलर होगा उनके अंदर, स्ट्रक्चर सेम होगी उनकी, ये भी क्या होगा सेम होगा, मतलब मेल भी सेम होगा और फीमेल भी सेम होगा। इस प्रकार से ये होमोगेमी होता है, इसको कहते हैं, इसके पीछे का रीजन है ये। अब बात करेंगे अपन हेटरोगेमेट्स के बारे में, किसके बारे में, हेटरोगेमेट्स के बारे में, या जिसे विषम युग्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम युग्मक भी कहते हैं। अब बात करेंगे अपन हेटरोगेमेट्स के बारे में, या जिसे क्या कहा जाता है, एन आइसोगेमेट्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एन आइसोगेमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब अपन सेकंड टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं गेमेट्स के, ठीक है, टाइप्स ऑफ गेमेट्स में फर्स्ट पढ़ लिया था अपने आइसोगेमेट्स, सेकंड है अपना हेटरोगेमेट्स, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन, देखते हैं क्या कह रहा है अपना आइसोगेमेट्स, कि द गेमेट्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड फंक्शन, द गेमेट्स which are different in functions, behavior and functions, नहीं structures, functions and behavior, तीन things है कि different in structure, behavior and functions are called anisogametes,
और हेटेरोगेमेट्स एंड देयर फ्यूजन कॉल्ड एनिसोगेमी और हेटेरोगेमी। भाई क्या होता है कि ऐसा जनन जिसके अंदर जो गैमेट्स भाग ले रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, वो तो क्या हो गया एनिसोगेमी हो गया, हेटेरोगेमी हो गया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या है एनिसोगेमी और हेटेरोगेमी। ठीक है, अब बात करें अपन कि वे गैमेट जो कि क्या होते हैं संरचना में यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बिहेवियर में डिफरेंट है, फंक्शन में डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोगैमेट्स कहते हैं, उन्हें हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। और इस प्रकार के जो क्या होते हैं गैमेट्स होते हैं जो फ्यूजन्स करते हैं उनका जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है एनिसोगैमी एंड हेटेरोगैमी। ठीक है, इस प्रकार ये होता है अपना हेटेरोगैमेट्स। अब इसको समझते हैं कैसे, मतलब कि ये होता है कि इसके अंदर आप देखकर ही बता सकते हो यानी कि यू मतलब बाय लुकिंग यू कैन डिफाइन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि आप बता सकते हो कि मेल गैमेट्स कौन सा है फीमेल गैमेट्स कौन सा है। भाई जैसे कि आपके सामने दो स्ट्रक्चर रख दी, ठीक है, दो स्ट्रक्चर रख दी, अब आपको दे दिया माइक्रोस्कोप्स, अब आप क्या बता पाओगे कि भाई आपने पढ़ रखा है आपके ज्ञान के आधार पर कि मेल जो फीमेल गैमेट्स होता है वो होता है गॉल ओवम कहलाता है। ठीक है, एंड जो मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म होता है वो क्या होता है जो कि स्पर्म है जो कि क्या है स्पर्म जो होता है उसके स्ट्रक्चर आपको पता है, वो सारा चीज आपको बिल्कुल ज्ञान है उस चीज का। ठीक है, अब आपको दे दिया माइक्रोस्कोप, दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने रख दी और आपसे पूछा आपसे बोला कि आप बताओ इनमें से मेल गैमेट्स कौन सा है इनमें से फीमेल गैमेट्स कौन सा है। तो आपको क्या पता है कि जो मेल गैमेट्स जो कि मेल गैमेट्स होता है यानी कि जो स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, तो आप देख के बता पाओगे यानी कि यू कैन डिफाइन एज ए स्ट्रक्चर, यानी कि आप सिर्फ लुकिंग मतलब कि यू कैन मतलब आप देख के बता सकते हो कि स्ट्रक्चर के आधार पर कि मेल गैमेट्स कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो फीमेल गैमेट्स है उसके स्ट्रक्चर देखकर भी आप क्या बता पाओगे उसके स्ट्रक्चर देखकर भी आप बता पाओगे कि फीमेल गैमेट्स कौन सा है, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इनमें जो होता है राम राम ही रहता है और सीता सीता ही रहती है। मतलब कि क्या होता है इनमें जो राम है आप देख के बता सकते हो कि राम जी कौन से और सीता जी कौन से, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग है उनका फंक्शन भी अलग है उनका बिहेवियर भी अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या बता पाओगे कि मेल गैमेट्स कौन सा एंड फीमेल गैमेट्स कौन सा। तो इस प्रकार से दो टाइप्स होते हैं जो कि किस बेसिस पे थे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। इस प्रकार से अपन ने होमोगैमेट्स ठीक है या आइसोगैमेट्स पढ़ चुके हैं और हेटेरोगैमेट्स पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म अपना टॉपिक है उसके बारे में जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं गैमेटोजेनेसिस पर। और अब बात किस पे करेंगे अपन, अब बात करेंगे अपन लाइक के बारे में कि आप अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर मारो एंड क्या करना है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अपने चैनल को, अपने इस वीडियो को पहुंचा दो अपने दोस्तों तक। और सबसे जो मेन बात है अगर टॉपिक के अंदर कुछ भी वो आपके डाउट्स हैं कुछ भी कंफ्यूजन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो जो 12th क्लास का जो वीडियो है इसकी पूरी लिस्ट प्लेलिस्ट चाहिए तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर आप जाओ देखो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां पर जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हो पूरे क्रम वाइज सिस्टमेटिक वीडियोस हैं सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे के सारे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।